हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। जी हां दोस्तों, 12 मार्च 2023 और 19 मार्च 2023 को हुए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की ऑफिशियल आंसर की विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है दोस्तों। तो उसके लिए हमें आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि हम विभाग की ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, क्या है कि जैसे आपकी ए बी सी डी चार सीरीज है, उसकी एक ही कॉमन आंसर की जारी की गई है, तो हम ये भी देखेंगे कि आपको अपनी सीरीज के हिसाब से अपना आंसर कैसे मिलानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, सिर्फ डाउनलोड करने तक ही नहीं, उसको लास्ट तक देखिए। हम इसमें आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को चेक करना भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमको किस प्रकार से राजस्थान की जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करने के लिए हमें अपना गूगल क्रोम ओपन करना होगा। तो हम गूगल क्रोम में आके लिखेंगे सरकारी रिजल्ट्स। दोस्तों, ऊपर ऊपर जो साइट आ जाएगी सरकारी रिजल्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये साइट फर्स्ट ओपन है, जो साइट इसको हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारी सरकारी रिजल्ट की जो साइट है ये ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटर्स, जॉब्स के बारे में आप यहाँ से सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या आंसर की देखनी है, तो आंसर की वाला ऑप्शन देखते हैं आप। यहाँ पर ये नीचे नीचे आ रहा है, तो जैसे आप यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क जे जे आंसर की इस पर क्लिक करेंगे, तो ये साइट और आगे ओपन हो जाएगी। जैसे हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी कि डाउनलोड आंसर की। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जो हमारी आंसर की है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, उसे हम ओपन करके अपना आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि सभी की एक कॉमन आंसर की जारी की गई है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखेगा। जैसे हमारी आंसर की है वो डाउनलोड हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपको आंसर की डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आंसर की का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, वहां से भी आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी ऑफिशियल आंसर की राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा जारी की गई है, 20/3 को जारी हो गई है आंसर की। तो हम यहाँ पर अपने आंसर को किस प्रकार देखना है, ये हम आज की अब देखने वाले हैं आगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर जो आंसर किया गई है, 12/3/2023 को जो पेपर हुआ था, और एक हमारा 19/3 को पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका कोई पेपर मान लो 12 तारीख को हुआ है, तो उसका हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सीरीज ए बी सी डी, अपनी चार सीरीज दी हुई है, और यहाँ पर सभी का मॉडल आंसर मतलब एक ही आंसर दिया हुआ है। सभी सीरीजों का मिलाकर कुल एक आंसर दिया हुआ है। जैसे हम देखेंगे ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर एक का आंसर 4 है, उसी प्रकार बी सीरीज में जो नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 4 है, सी में क्वेश्चन नंबर 39 और डी में क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 4 है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर, अगर सीरीज ए में अपन क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, बी में 46, सी में 26 और डी में 30 का आंसर 3 है। इस प्रकार से हम यहाँ से अपना टोटल आंसर मिला सकते हैं। इसी प्रकार आप 19/3 का भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरे एक से लेकर 150 क्वेश्चन तक के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इस प्रकार से अपना क्वेश्चन, जैसे अगर आपका 20 सीरीज है और आपको अपनी 20 सीरीज चेक करनी है, जैसे आप पेपर खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपको यहाँ पर 4 दिया गया है। उसी प्रकार जैसे आप कोई देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर 2, इसी प्रकार से आप 19 में इस प्रकार से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में कितने मार्क्स टोटल बैठ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।